बात करने वाले हैं कि जो SIP आप लोगों ने निपुण म्यूचुअल फंड ऐप के माध्यम से स्टार्ट किए हैं, उन SIP के अमाउंट को आप लोग सेटअप कैसे कर पाएंगे। दोस्तों, सेटअप करने का मतलब यह है कि आप लोग अपने SIP के अमाउंट को सिस्टमेटिक ढंग से आप लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि दोस्तों जब आप लोग अपने SIP के अमाउंट को बढ़ाएं तो वहाँ पे आपसे कोई कन्फ्यूज़न या आपसे कोई भी गलती ना हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से आता है। यहाँ पे आपको कॉर्नर में एक ऑप्शन मिलेगा मोर का, आपको सिंपली इसी के ऊपर टिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके सामने माई सिस्टमेटिक प्लान का एक ऑप्शन मिलेगा जो कि ये होगा, आपको सिंपली माई सिस्टमेटिक प्लान के ऊपर टिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना जो भी फोलियो नंबर है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप टिक करेंगे तो आपका जो भी फोलियो नंबर होगा वो आपको शो हो जाएगा। इसके बाद आपको उस पर टिक कर लेना है। अब यहाँ पे आप लोग जैसे ही अपने फोलियो नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपके जो भी SIP चल रही होंगी वो आपको SIP यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपको जिस भी SIP के अमाउंट को सेटअप करना है उसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मान लेते हैं मुझे इस SIP के जो भी अमाउंट है उसको सेटअप करना है, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नीचे मिलेंगे, एक मॉडिफाई का मिलेगा, एक मिलेगा सेटअप का। तो मॉडिफाई वाला दोस्तों मैं आप सभी को पहले बता चुका हूँ कि आप SIP के अमाउंट को, एंड डेट को और उसके प्लान को भी चेंज कर पाएंगे इस ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। तो उसका दोस्तों मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको एडिट करना हो कुछ तो आप इस तरीके से यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज़ करके कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम आज बात कर रहे हैं सेटअप की, तो सेटअप के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेटअप का, ठीक है, जो कि ये ऑप्शन है। तो सिंपली आपको अपने अमाउंट को सेटअप करने के लिए आपको सेटअप वाले ऑप्शन पर टिक करना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर सेटअप वाले ऑप्शन पर टिक कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आपने जिस भी म्यूचुअल फंड में इस SIP को स्टार्ट किया होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ लिखा होगा आप पढ़ सकते हैं, योर SIP आल्सो डिजर्व एन इंक्रीमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। कहने का दोस्तों मतलब ये है कि आपकी SIP का जो अमाउंट है वो टाइम टू टाइम दोस्तों बढ़ना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कोटेशन टाइप में लिख देते हैं, थोड़ा सा ऊपर को स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे आपको दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से देखना है, यहाँ पे दोस्तों मेरी जो SIP का करंट अमाउंट है वो आपको यहाँ पे शो होगा, मेरा तो यहाँ पे शो हो रहा है, आपका भी दोस्तों जो भी होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। मेरा जो करंट अमाउंट है वो 200 रुपये है, मैंने यहाँ पे हाफ अर्ली सेट किया है, इसके बाद मैंने अमाउंट को सेट किया है और सेटअप अमाउंट मैंने 100 रुपये लिखा है। तो इसका दोस्तों मतलब ये है कि मेरे 6 महीने बाद मेरा जो ये अमाउंट है वो कितना रुपये हो जाएगा, वो 300 रुपये हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे यहाँ पे आपको लिखा भी होगा कि आपका जो आफ्टर कम्प्लीसन ऑफ 6 मंथ यहाँ पे आपका जो अमाउंट होगा वो 300 रुपये हो जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो भी आप अमाउंट डालेंगे वो आपकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से आगे दोस्तों ऐड हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे अमाउंट की जगह परसेंटेज भी दोस्तों कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे हम परसेंटेज पे टिक करेंगे आप यहाँ पे 10%, 20%, ये दोस्तों जो परसेंटेज होगा ये आपके जो भी करंट SIP का अमाउंट होगा उसका दोस्तों परसेंटेज यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो आपका दोस्तों जो भी मन हो आप अपने हिसाब से अमाउंट या फिर परसेंटेज के हिसाब से जैसे भी आपको बढ़ाना हो, अपने SIP के अमाउंट को सेटअप करना हो, वो दोस्तों आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका जो भी करंट अमाउंट था 200 रुपये हो गया और यहाँ पे मैंने हाफ ईयरली सेट कर लिया। आपका मन हो दोस्तों ईयरली भी कर सकते हैं, साल में भी कर सकते हैं, मैंने 6 महीने कर लिया है, ठीक है। इसके बाद मैंने अमाउंट किया है और आप चाहें तो परसेंटेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 100 रुपये लिखा है, आप चाहें दोस्तों अपने हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे नीचे आपको लिखा भी होगा SIP इंस्टॉलमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ। तो मैंने यहाँ पे हाफ ईयरली किया है इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि भैया आपकी जो 6 मंथ की SIP कम्प्लीट होने के बाद आपका जो अमाउंट होगा वो 300 रुपये हो जाएगा, क्योंकि मैंने 100 रुपये यहाँ पे सेटअप में डाल दिया है हाफ ईयरली बार, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम दोस्त यहाँ पे ईयरली को सेट कर लेते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या चेंज होता है, ठीक है। वहाँ पे मैंने ईयरली चेंज कर लिया है, तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कि आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ 1 ईयर, आई मीन दोस्तों 1 साल के बाद मेरा जो अमाउंट होगा तो वो हो जाएगा दोस्तों 300 रुपये। तो इस तरीके से आपका जो अमाउंट होगा वो दोस्तों सिस्टमेटिक ढंग से पड़ेगा। इतना दोस्तों कंफर्म होने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म वाले बटन पे टिक कर देना है, यहाँ पे कंफर्म वाले बटन पे टिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आप दोस्तों एक बार कंफर्म कर सकते हैं जो कि आपने यहाँ पे एडिट किया है
वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक बार कंफर्म करने के लिए आ जाएंगी। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स पे टिक कर देना, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पे डाउन साइड में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों जब आपकी सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएँ, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कन्फर्म वाले बटन पर टिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके सेटअप वाले प्रोसेस को कम्प्लीट करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे इसको वेरीफाई करना होता है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देगा, या तो आप अपना आई पिन डाल दीजिए, या फिर आप यहाँ पे गेट ओटीपी पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे ओटीपी के माध्यम से इस सेटअप वाले प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। आई पिन दोस्तों कैसे बनाते हैं उसका वीडियो भी दोस्तों मैं अलग से बनाऊँगा, तब आपको मैं वहाँ पर प्रॉपर जानकारी दूँगा कि आप लोग आई पिन को कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर अभी के लिए हम लोग यहाँ पर ओटीपी के माध्यम से इस ट्रांजेक्शन को, इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे गेट ओटीपी पे टिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, और दोस्तों ओटीपी जो हो वो आपका ऑटो फिलअप हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका ओटीपी ऑटो फिलअप नहीं होता है तो आप मैन्युअली भी डाल सकते हैं। इतना होने के बाद दोस्तों आपको लास्ट में यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी का बटन आएगा, आपको सिंपली वेरीफाई बटन पर टिक कर देना है। दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपने SIP के अमाउंट को सेटअप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे आप लोग इसी तरीके से कर सकते हैं, और जो आपको SIP का अमाउंट था वो दोस्तों सिस्टमेटिक ढंग से दोस्तों बढ़ जाएगा, जैसे कि आपने यहाँ पे सेट किया है। अगर दोस्तों आपको इस प्रोसेस में कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो, कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जोड़ दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।